कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे जिला अध्यक्ष बनाती है तो निश्चित रूप से बोकारो जिला मजबूत होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि हम जितना कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि ये प्लांट भी जो लगा है कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। इंदिरा गांधी आकर के इसका यहाँ पर उद्घाटन की थी, तो हमारा देन जो है कांग्रेस पार्टी का देन है बोकारो स्टील प्लांट, और यहाँ के विस्थापित का भी समस्या कांग्रेस पार्टी ही दूर करेगी। कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारा कोई भी सदस्य जो है गुटबाजी नहीं करता है, ठीक है, आप लोगों को किसी सूत्र से अगर पता चला है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी होती है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति हो गई है, कई मुखिया बन गए हैं, कई पंचायत समिति, कई जिला परिषद बन गए हैं। अब दूसरा लड़ाई चल रहा है जिला परिषद अध्यक्ष के पद का, प्रमुख के पद का, उप मुखिया के पद का। इसी बीच कांग्रेस अपने संगठन के सुधार में लगा हुआ है। झारखंड के तमाम जिलों में कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की फेरबदल में लगा हुआ है। कांग्रेस को तलाश एक बेहतर चेहरे की है, और लगातार कई DRO भी आए थे, प्रभारी भी घूम रहे हैं। कांग्रेस ओवरऑल अपने संगठन की मजबूती में लगा हुआ है। हमें बोकारो आए थे, अब बोकारो में मिलने आए हैं उस व्यक्ति से जो कांग्रेस में है, और कांग्रेस में होने से पहले उनका एक परिचय है कि विस्थापित का बड़ा चेहरा है। आप जानते हैं कि बोकारो विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ सेल के नाम पर ज़मीन ली गई, उसके बाद लोगों को दूसरे जगह पर डिस्प्लेस्ड किया गया, उनके अपनी जगह से हटाया गया, उन्हें विस्थापित कहा गया। उनके बीच एक बड़ा चेहरा है रघुनाथ महतो, हम उनके पास आए हैं। हम उनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि जो आंकड़े या जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यह है कि वो कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रेस में, बोकारो जिलाध्यक्ष की रेस में नंबर वन पर आते हैं। हम उनसे बात करते हैं संगठन की मजबूती को लेकर, उन्होंने क्या प्लान रखा है, और आखिर कांग्रेस इन पर भरोसा क्यों करना चाहती है, और ये क्या कांग्रेस से चाहते हैं, या इनकी क्या अपील है, हम वो भी सारे मुद्दे पर बात करें। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आप पहले तो विस्थापित का बड़ा चेहरा है इस जिला के अंदर, दूसरा आप संगठन में हैं, कांग्रेस में हैं, और अभी कांग्रेस अपने संगठन के विस्तार और उसको बेहतर करने में लगी है। जिला अध्यक्ष की रेस में जो सूत्र है उसमें आप सबसे नंबर वन पर हैं, क्या कांग्रेस ने ऐसा देखा है जो आप टॉप पर हैं अभी फिलहाल? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं आपको बता दूं कि बोकारो जिला, जैसे आपने कहा कि विस्थापित का क्षेत्र है, और ये चारों तरफ विस्थापित है। बोकारो स्टील प्लांट के इर्द गिर्द चारों तरफ देखिएगा विस्थापित ही विस्थापित है, और एक विस्थापित का बेटा होने के नाते विस्थापितों का जब मूल अधिकार था, उस अधिकार के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी लड़ाई लड़ी है विस्थापितों की, नियोजन का, पुनर्वास का, मुआवजा का। अभी जो हमारे उत्तरी क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव है जो आज इन लोगों को कहीं दिख नहीं रहा, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी वंचित हो गए हैं लोग। इस संबंध में भी हम लोगों ने विचार किया है कि इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन करें। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो मुझे जिला अध्यक्ष क्यों बनाएगा, देखिए जिला अध्यक्ष क्यों बनाएगा ये मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे जिला अध्यक्ष बनाती है तो निश्चित रूप से बोकारो जिला मजबूत होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि हम जितना कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जितना सदस्य हमको बोकारो जिला में बनाना चाहिए, हम बढ़ चढ़ कर के लिए उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अनेकों तरह का, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे आम जन समस्याओं की बात हो, वो तो सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बराबर कांग्रेस पार्टी के बैनर पर आंदोलन किया है, और मेरा क्रियाकलाप को, मेरे कार्यों को लोगों ने देखा है, इसलिए हो सकता है कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैं अपना प्रस्ताव दिया हूँ कि मुझे भी जिला अध्यक्ष बनाया जाए ताकि मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकूँ। बोकारो जिला के अंदर कांग्रेस के पास एकमात्र विधायक है, इसे माना जाता है कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है इस जिले के अंदर, तो उसकी मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अभी बोकारो जिला एक विधायक है, लेकिन आप जरा आंकड़े ही उठा के देखें तो हमारा बोकारो विधानसभा भी कांग्रेस लीड करने जा रही थी, बहुत कम अंतराल से आ रही है। आप बागमारा क्षेत्र के भी देखिएगा, वहाँ भी हमारा जो है जीतते रह गया। तो ऐसा नहीं है कि बोकारो में कांग्रेस मजबूत नहीं है, बोकारो में कांग्रेस मजबूत है। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई होगी जिसके चलते हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाला समय में कांग्रेस का बोकारो होगा, और पूरा सीट हम लोग बोकारो से निकाल करके देने का काम करेंगे कांग्रेस पार्टी को।
बोकारो में विस्थापन एक बड़ी समस्या है, चाहे सेल का मामला हो चाहे विशेष सेल का मामला हो, जिले के अंदर विस्थापन एक बड़ी समस्या है और उसके अंदर भी कई संगठन चलते हैं और उन संगठनों में ज़्यादातर लॉबी जो है वो दूसरे राज्य से आए लोगों का है। तो क्या ये मामला भी आपके इस जिलाधीश बनने में रोड़ा बन सकता है? देखिए, विस्थापित की समस्या नहीं समस्या है, यह समस्या बहुत जटिल हो गया है, बहुत पुरानी समस्या है। और इसके पहले जो भी अब हमारा जब देख झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में लगभग ज़्यादातर सरकारें जो है बीजेपी की रही है और उस समय से लेकर के अभी तक मैंने हमारा विस्थापित के लिए कोई नीति नहीं बना, विस्थापन आयोग नहीं बना, जिसके चलते ये सब अधर में लटका हुआ है, एक मामला उठ सकता है। लेकिन हम लोग अभी कांग्रेस पार्टी और जो अभी हम लोग सरकार जो हमारा जम्मू गठबंधन का सरकार है, इस सरकार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विस्थापन आयोग बने और विस्थापित का एक नीति बने जिससे यहाँ के विस्थापितों को सारे तरह का लाभ मिल सके। चूँकि आज जितनी भी समस्या विस्थापित का है, मुझे नहीं लगता कि और ज़िले में इस तरह का समस्या है। सबसे ज़्यादा अगर समस्या बोकारो में अगर कहीं है तो विस्थापित की समस्या है और विस्थापित की समस्या बार बार विधानसभा में हमारे यहाँ विपक्ष के लोगों ने उठाया है, विपक्ष के अभी विधायक भी हमारा यहाँ बोकारो में है, उनके द्वारा भी उठाया गया, लेकिन कहीं नहीं, ये सब बातें सिर्फ रखते हैं। अगर यदि इसका फैसला होगा तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि ये प्लांट भी जो लगा है कांग्रेस पार्टी की ही देन थी, इंदिरा गांधी आकर के इसका यहाँ पर उद्घाटन की थी, तो हमारा देन जो है कांग्रेस पार्टी का देन है बोकारो स्टील प्लांट, और यहाँ के विस्थापित का भी समस्या कांग्रेस पार्टी दूर करेगी। बोकारो में उत्तरी जो क्षेत्र है वो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, आप उसी उत्तरी क्षेत्र से आते हैं, हाँ पंचायत चुनाव होता है और ना ही किसी तरह की सरकारी योजनाएं वहाँ जाती हैं, तो क्या अगर आपको जिलाधीश बनाया जाए और आप सरकार में हैं तो क्या उन समस्याओं के समाधान के लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि जो भी समस्याएं यहाँ के विस्थापितों के साथ आ पड़ी है उसको जितना जल्दी हो सके, चूँकि हमारी सरकार है और हम अपनी उस सरकार में बात को रखेंगे और समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग अगर इस तरह से चाहें यहाँ के विस्थापित को जो समस्या है जो सारे लोग अवगत हैं उसको बढ़िया तरीके से, अगर रघुनाथ महतो जिला अध्यक्ष बनता है, यानी मैं अगर जिला अध्यक्ष बनता हूँ, तो निश्चित रूप से इन लोगों का समस्या का समाधान करने का हर तरह का प्रयास करेंगे। और जब तक समाधान नहीं होगा मैं सरकार से भी लड़ूंगा, अपनी सरकार से लड़ूंगा, चूँकि विस्थापित की बात है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत होती है, कांग्रेस के अंदर कई धड़े चलते हैं, कांग्रेस के अंदर जब धड़े चलते हैं तो नाराज़गी भी रहेगी, तो बाकी जो नेता हैं उनकी नाराज़गी को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जब कोई भी आदमी व्यक्ति रूप से नहीं चलता है, कोई भी पार्टी पार्टी की बात है, और पार्टी में आपसी नाराज़गी से पार्टी नहीं चलेगा। अगर यदि आला कमान के द्वारा किन्हीं के ऊपर यदि किन्हीं को दायित्व दिया जाता है, किन्हीं को कप्तान बनाया जाता है जिला का, तो उनको स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, ना कि नाराज होकर के दूर होना होगा। यदि अगर उनकी मानसिकता गलत है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता के साथ अगर वो नहीं चलते हैं और व्यक्ति का विरोध कर करते हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं होगा। और जो गुटबाजी करते हैं, वो गुटबाजी करने वाले नेता जो हैं वो हमारा कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। काहे कि कांग्रेस पार्टी में हमारा कोई भी सदस्य जो है गुटबाजी नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों को किसी सूत्र से अगर पता चला है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी होती है, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चूँकि मैं अब जितने दिनों से कांग्रेस में हूँ, लगभग मुझे लगता है कि 4 साल से आज कांग्रेस पार्टी कर रहा हूँ, और 4 साल के दरमियान में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है कि कोई गुटबाजी करके अलग अलग कुछ राह में चले हैं या अलग कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा है। आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि गुटबाजी नहीं हो, अलग तरह का कोई नतीजा ना निकले, कांग्रेस पार्टी के हित में काम हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, मिलजुल कर आपस में सबके साथ में चलने का काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको नहीं किसी और को जिलाधीश बना दिया जाएगा तो आप उनको स्वीकारेंगे या आप गुटबाजी में निकल जाएंगे? नहीं, देखिए, यदि अगर मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ तो आला कमान जिसको यहाँ पर जिलाध्यक्ष बना दे, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनको स्वीकार करूंगा, उनको मान के चलूंगा, मुझे किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। जिला अध्यक्ष कोई भी बने उनका मैं स्वागत करूंगा, उनका बातों पर चलूंगा और कांग्रेस का काम करूंगा। अपनी दावेदारी दे दी है? जी, मैंने अपनी दावेदारी दी है कि मैं भी जिला अध्यक्ष के लायक हूँ, मुझे बनाया जाए। अब ये
तय करना उन लोगों का काम है कि वो कितना सोचते हैं मेरे प्रति या हमारे समाज के प्रति, हमारे विस्थापित के प्रति। वो जितना अगर सोचते हैं उस हिसाब से अपना देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमको कहाँ रखना चाहिए। उनका ये काम है, वो तय करेंगे वो।